कृषि कानून के खिलाफ आंदोलनकारियों का आंदोलन लगातार जारी है। आंदोलनकारी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, जबकि केंद्र सरकार ने साफ कह दिया है कि कृषि बिल वापस नहीं होगा। दूसरी तरफ आंदोलनकारी मुजफ्फरनगर से लेकर करनाल में किसान महापंचायत का आयोजन कर सरकार को अल्टीमेटम दे चुके हैं। आंदोलन के अगुवा भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत इस दौरान सियासत भी कर रहे हैं और विवादित बयान भी दे रहे हैं। हरियाणा सरकार की तालिबानियों से तुलना के बाद अब टिकैत मुजफ्फरनगर में मंच से अल्लाह अकबर बोलते नजर आए थे। इसके बाद से ही बवाल शुरू हो चुका है। टिकैत भी आंदोलन में एक विशेष धर्म को खुश करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसके बाद अब टिकैत को फोन पर जमकर गालियां मिल रही है। हालात ऐसे हैं कि टिकैत ने अपना फोन भी बंद कर दिया है। उधर अल्लाह अकबर कहने के बाद अब टिकैत ने सफाई पेश की है। टिकैत का कहना है कि इस नारे में दिक्कत क्या है, ये नारा देश के संविधान में है। सरकार चाहे तो आदेश कर दे कि देश में सिर्फ एक ही नारा लगेगा, दूसरा नारा हिंदुस्तान में नहीं लगेगा। हम लगाए तो हम पर मुकदमा कर दे, हम कोर्ट में जवाब दे देंगे। टिकैत ने आरोप लगाया है कि मौजूदा समय में पैदा हुए हालात से लगता है कि क्या देश में जुबान पर पाबंदी का समय आ गया है। टिकैत ने यह भी कहा है कि हम रामचंद्र जी के वंशज हैं और हमारे पूर्वज भी अयोध्या से हैं। हमारा नारा था राम इनका है, जय श्री राम। बीजेपी का नाम लिए बगैर टिकैत ने कहा कि ये तो जबरन ही अपनी पार्टी में राम को शामिल करने पर तुले हैं। भगवान राम है और इन्हें राजनीति और पार्टी से नहीं जोड़ना चाहिए। हालांकि टिकैत ने आंदोलन में जिस तरह से मुसलमानों के लिए नारे लगाकर आंदोलन के नाम पर राजनीति करने की कोशिश की, उससे साफ पता चल रहा है कि आंदोलन को राजनीतिक रंग देने की कोशिश टिकैत ही कर रहे हैं। टिकैत ये चाहते हैं कि आंदोलन में उन्हें मुस्लिमों का भी साथ मिले। हालांकि टिकैत किसके इशारों पर महापंचायत में अल्लाह अकबर के नारे लगवाए, अभी तक ये बात सामने नहीं आई है। लेकिन टिकैत और कांग्रेस का कनेक्शन बहुत गहरा है और अब इस नारे पर हंगामा हुआ तो टिकैत सफाई देते फिर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMS न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।